चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्लास। क्लास नंबर कितना है आज का? 2। ठीक है, इसमें आपका टॉप 40 क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा रेलवे का एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे प्लस एसएससी और बैंकिंग, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक क्लास तो हो चुका है, इसमें कितना क्वेश्चन था? टॉप 40 क्वेश्चन पहले करा दिया गया था और आज आपका टॉप 40 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्लास। पहला आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 41। इनमें से कौन सी बीमारी संचारी है, यानी कौन सा डिजीज कम्युनिकेबल होता है? कैंसर, उच्च रक्तचाप, प्लेग या मधुमेह? तो क्या होगा? प्लेग। प्लेग आपका क्या होता है? संचारी बीमारी होता है। ऑप्शन सी प्लेग। प्लेग एक तरह क्या है? संचारी बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? सी दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान पर अणुओं के आगमन की प्रक्रिया को निम्न से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यदि मॉलिक्यूल्स फ्लो करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यदि कोई मॉलिक्यूल्स या कुछ भी लिक्विड या मैटर हम लोग बोल सकते हैं या गैस बोल सकते हैं, कोई भी मैटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव करता तो क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रसार। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है? कंडेंसेशन यानी संघनन, वाष्पीकरण, प्रसार या उत्सादन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, डिफ्यूजन। इसको नोट कर लीजिए। इन पौधे में से कौन सा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा। रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा कौन सा होता है? नागफनी। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? नागफनी बोलते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है? कैक्टस भी बोलते हैं उसको, कैक्टस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैक्टस होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग है या बोला गया इसमें, इनमें से किसमें इथेनॉल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चेक करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, पेंट्स बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में या खांसी की दवाई बनाने में। तो तीनों में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस, इथेनॉल का उपयोग कहां किया जाता है? इथेनॉल का उपयोग ऑल ऑफ दिस में किया जाता है, यानी खांसी का दवा बनाने में किया जाता है या पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है, और क्या दिया गया है? पेंट मैन्युफैक्चरिंग, दोनों तीनों में किया जाता है। एक एम मीटर में, यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक एम मीटर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है जिससे इसके माध्यम से अधिकतम करंट गुजरता है। तो ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन अलग टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और क्या दिया है? प्रतिरोध। क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, प्रतिरोध दिया गया है और क्या बोला है? हाई करंट। हाई करंट का मतलब क्या होता है? उच्च धारा, उच्च धारा। तो करंट कब ज्यादा फ्लो होता है? जब रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहां पे क्या होगा? निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन क्या दिया गया है? वेरी लेस, ऑप्शन डी वेरी लेस। क्वेश्चन को समझना है और इसको सॉल्व करना है। वह न्यूनतम तापमान क्या है जिसमें किसी भी ईंधन को गर्म किया जाता है और आग पकड़ सके, ताकि वो आग पकड़ सके? सबसे लोएस्ट टेम्परेचर क्या है जिस पर कोई भी ईंधन आग पकड़ सके? तो उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन ए इग्निशन टेम्परेचर। कौन सा उपग्रह भारत की पहली व तरंग दैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? ऑप्शन क्या दिया गया है? जुगनू, सम्राट, एस्ट्रोसेट या सरल? सरल। तो क्या होगा? ऑप्शन सी एस्ट्रोसेट। ऑप्शन सी एस्ट्रोसेट। ये क्या है आपका? करेक्ट आंसर होगा इसका।
इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फेफड़े का रोग है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने पहले करा दिया था, ठीक है, तो क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे क्षय रोग कहा जाता है, ऑप्शन सी क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बहने वाले वर्तमान को मापने के लिए सभी सर्किट में एमीटर कैसे जुड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है करेंट को मापने के लिए एमीटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, पैरेलल में या लाइन में, ठीक है, तो क्या होगा, सीरीज में, ऑप्शन सी इन सीरीज, सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और पैरेलल में किसको जोड़ता है, जोड़ा जाता है वोल्टमीटर को, पैरेलल में किसको जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिट्टी के कटाव का कारण हो सकता है, ठीक है, पेड़ों का काटना, चारागाहों का अति चराई या खरी ढलान वाली भूमि की जुताई, ये सब क्या आता है, सभी रीजन के कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतिक्रिया, यहां पे पूछा गया है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, नाइट्रोजन गैस को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, N2, Ni, सोडियम या NO, तो क्या होता है, N2 से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को दर्शाते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए। इस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक पहुंचती है। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन कराया था डिफ्यूजन के ऊपर वही क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि यहाँ पे इत्र की गंध हमारे नाक तक पहुंचती है, इसका रीजन क्या है, संक्षेपण, वाष्पीकरण या फ्यूजन या प्रसार, तो डिफ्यूजन, इत्र का निकलना क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से एक बोतल में क्या होता है, इत्र रखा जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, ये फ्लो होता है, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं, प्रसार कहते हैं, प्रसार, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर यदि कोई मूव करता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रसार बोलेंगे, डिफ्यूजन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। MnO2 plus 4HCl से क्या मिलकर बना है, MnCl2 plus 2H2O और Cl2, तो ये आपका क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इक्वेशन क्या दिया गया है, MnO2 plus 4HCl से क्या बना है, MnCl2 and H2O और क्या बना है, Cl2, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन लोग कैसे पहचानते हैं, एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दोनों यदि होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये दोनों होता है हर एक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, क्लोरीन का भी होता है और मैग्नीशियम मैंगनीज का भी होता है, एक का आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन और दूसरा का रिडक्शन, तो ये दोनों यदि किसी प्रोसेस में होता है तो क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑप्शन बी। एक महीने में कितने बार आधा चांद दिखाई देता है, वन टाइम, मतलब एक बार या दो बार या चार बार या तीन बार, कितने बार दिखाई देता है, तो टू टाइम्स, ऑप्शन डी, टू टाइम्स, दो बार दिखाई देता है आधा चांद, टू टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सी पहली क्षार धातु है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, क्षार धातु बोला गया है मतलब अल्काली मेटल्स, तो अल्काली मेटल्स में सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, लिथियम, तो हाइड्रोजन तो हमारा क्या है, ये तो हमारा क्षारीय धातु नहीं है, तो क्या होगा, लिथियम होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, लिथियम, ठीक है। विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय एक इलेक्ट्रिशियन को रबर के दस्ताने पर पहनाया जाता है, रबर का कुछ सामान दिया जाता है कि रबर के टायर के ऊपर वो खड़ा होकर काम कर सके या उसको पहनकर, ठीक है, किसी भी रबर का सामान को पहनकर उसको काम कर सकते, किसका, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक का काम कर सके, तो इलेक्ट्रिक और रबर में क्या ऐसा
आपका प्रोसेस होता है जो इसका उपयोग किया जाता है। तो रबर आपका क्या है? बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक का कोई यदि कोई काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिक के काम करने वाले को इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, तो रबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट फ्लो आपका क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण झटका नहीं लगता है। तो ऑप्शन क्या होगा? टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ऑप्शन सी, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? यूट्रिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन की कमी या नाइट्रेट प्रदूषण। तो ओजोन डिप्लीकेशन आपका क्या होता है? आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, ओजोन डिप्लीकेशन, ऑप्शन सी, ओजोन डिप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्यूपंचर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इक्यूपंचर क्या है? तो प्राचीन चीनी प्रणाली जो डॉक्टर यूज करते थे चिकित्सा, उसको कहा जाता है इक्यूपंचर, ऑप्शन सी, ठीक है, चिकित्सा की प्रणाली जो प्राचीन हो और चीनी हो, ऑप्शन क्या दिया है? सी, चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली, चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली। इसमें आपका क्या है? पहला कंडीशन चीनी है और प्रणाली, ये दो है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें ऑप्शन भी नहीं देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका का आंसर होगा, ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंसुलिन विनियम क्या है? इंसुलिन रेगुलेट क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? तो रक्त शर्करा का लेवल मापने के लिए, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल, ऑप्शन डी, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। हाइड्रोफोबिया किन कारणों से होता है? रेबीज वायरस, तीव्र वायरस या वरोवा वायरस या बैक्टीरिया। तो हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण होता है, ऑप्शन ए, रेबीज वायरस, रेबीज वायरस इसके कारण होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किस जीव को आधे काटने पर वो फिर से जीवित रहता है, मतलब पूरी तरह से मरता नहीं है, तो क्या होगा? अर्थवर्म, केचुआ, ऑप्शन ए, अर्थवर्म, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से रक्त किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण है? रक्त को बोला गया है कि कौन से प्रकार का ऊतक का उदाहरण है, ठीक है, उपकला, संयोजक, घबराहट या नर्वस, जिसको बोलते हैं नर्वस, यहाँ पर ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, नर्वस होगा, ठीक है, स्नायु, मसल्स, तो क्या होगा? संयोजक, कनेक्टिव, ऑप्शन बी, कनेक्टिव, कनेक्टिव, संयोजक। रक्त एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, ऑप्शन क्या दिया था? बी। त्वचीय शोषण होता है, इनमें से किसमें त्वचीय शोषण होता है? पंछी, मानव, केचुआ या मछली। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? अर्थवर्म, केचुआ में क्या होता है? त्वचीय शोषण होता है, ऑप्शन सी, केचुआ, अर्थवर्म, ठीक है, त्वचीय शोषण। सामान्य सर्दी के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी। क्या होगा इसका आंसर? विटामिन सी, ऑप्शन आपका सी, विटामिन सी।
बेरिलियम बहुत सामान्य है। यह क्वेश्चन आपको अगला क्लास में कराया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका उसमें क्या था, आपका डायगोनली रिलेशनशिप पूछा गया था, डायगोनली रिलेशनशिप पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है? समान, मतलब कि बेरिलियम सिमिलर किसके साथ है, तो हम लोगों को कैसे पहचानना होगा। ऐसा नहीं है कि एक पीरियड में है तो बेरिलियम इससे समान समान है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, देखना होगा हम लोगों को। क्या होगा? एल्युमिनियम, ठीक है। कैसा हम लोग पहचानेंगे एल्युमिनियम, इसका आंसर होगा यहाँ पे बेरिलियम और था यहाँ पे क्या था, एल्युमिनियम। तो डायगोनली रिलेशनशिप किसके साथ होता है? एल्युमिनियम के साथ होता है। जिसके साथ डायगोनली रिलेशनशिप होता है, डायगोनली रिलेशनशिप, ठीक है। और अगला क्लास में आपको बता दिया था कि डायगोनली रिलेशनशिप क्या होता है, ये बताया गया, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो जिसके साथ डायगोनली रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे से समान होता है, मतलब बहुत ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो क्या होता है, एक समान होता है, समान गुण होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम विच ऑफ दिस यूज्ड टू इंपार्ट सॉल्ट टेस्ट टू फूड, इनमें से कौन सा भोजन में खट्टा स्वाद प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा? इमली, ऑप्शन सी, इमली, टैमरिंड, ठीक है। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन नहीं है, इनमें से ये पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के जब सिद्धांत दिया जा रहा था तो क्या बताया नहीं था, क्या इनमें से नहीं बताया गया था? तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, परमाणु की स्थिरता नहीं बताया गया था, ऑप्शन सी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल में यह बताया गया था कि आपका एक न्यूक्लियस होता है जिसमें बीम को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, और यह डेविएट होता है, कुछ बीम क्या होता है आपका, डेविएट होता है और कुछ सीधा चला जाता है, और मैक्सिमम क्या होता है, टकरा कर वापस आता है, जिससे यह पता चलता है कि यह पार्ट क्या है, बहुत हार्ड है, और इसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया था, ठीक है। ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आ ही गया, ठीक है। परमाणुओं में एक छोटा अवशेषित नाभिक होता है जो काफी हद तक खाली जगह से घिरा होता है और छोटे इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रचालित होता है। ये किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था, यही एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसा मान लिया जाए ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, इसमें बताया गया था कि जब एक बीम को पास कराया जाता है तो कुछ बीम क्या होता है, डेविएट हो जाता है। डेविएट होने का मतलब क्या है, इसको अच्छा तरह से समझना है। अगर सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, बीम को हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बीम क्या हो गया था, डेविएट हो गया था, और कुछ पास हो गया था, मतलब कि कुछ खाली स्थान वहां पे था, और मैक्सिमम क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट हो गया था। मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट का मतलब कि सेम चार्ज है, ठीक है। जैसे बॉल को हम लोग दीवार की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल रिटर्न आ जाता है, तो वही चीज यहाँ पर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, हार्ड पार्ट प्लस पॉजिटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाया जाए तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले, 20,000 अगर हम लोग रेस को या बीम को न्यूक्लियस की तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, एक से 10 से 20 क्या होगा, ये डेविएट हो जाएगा, ठीक है। 10 से 20 क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, और 5 से 10 क्या होगा, ये पास हो जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस को क्रॉस करके चला जाएगा, और मैक्सिमम जो बचा 19,000 कुछ समथिंग बचा, ये क्या होगा, रिबाउंड हो जाएगा, मतलब कि वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हार्ड पार्ट है, रिजिड पार्ट, जिसे हम लोग रिजिड कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये रदरफोर्ड मॉडल है, बेसिक में समझना एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लोहे के हीटिंग तत्व बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा, नाइक्रोम, ऑप्शन बी, नाइक्रोम, ऑप्शन बी। बहुत ऐसा क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन।
कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छत को कैसे बनाया जाता है ताकि प्रतिबिंब के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचे हुए ध्वनि बनाई जा सके। तो कर्व बनाया जाता है, कैसा बनाया जाता है? कर्व, मुड़ा हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए कर्व, मुड़ा हुआ बनाया जाता है। वह प्रतिक्रिया जिसमें उत्पादकों से साथ गर्मी का बाहर निकलना यानी हीट निकलना, यदि कोई रिएक्शन होता है, जैसे मान लिया जाए ए और बी को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो सी बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में या प्रतिक्रिया में यदि हीट बाहर निकलता है यानी गर्मी हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, उष्मा बोलते हैं, ये यदि बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन समूह 1A की समान अवधि से संबंधित है? 1A मतलब ग्रुप 1 का बोला गया है, तो ऑप्शन देख के हम लोग बता सकते हैं क्या होगा। पहला ही होगा लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन ए लिथियम सोडियम और पोटेशियम। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जोड़े में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट इन पेयर, क्या बोला है? Which of the following organ in the human body does not appear in pair? मतलब जोड़ों में नहीं पाया जाता, तो क्या होगा? माउथ, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है? डी। संपर्क में दो सतहों के बीच खाली स्थान की उपस्थिति घर्षण का कारण बनता है, मतलब कि फ्रिक्शन किसके कारण बनता है? तो बहुत अच्छी तरह से बताया गया है आपको कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रफनेस के कारण होता है, ठीक है। तो रफनेस जैसे मान लिया जाए एक सरफेस है और इसके ऊपर ये बॉडी को क्या मूव कराया जाता है, अगर यदि इसका सरफेस रफ होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो रफ होने का मतलब क्या होता है? रेगुलर नहीं है, मतलब रेगुलर शेप नहीं है, रेगुलर शेप नहीं है, इसका मतलब क्या है? इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। तो इरेगुलर से क्या बनता है? इरेगुलरिटीज, ऑप्शन सी इरेगुलरिटीज। इसके कारण क्या होता है आपका? घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। मिट्टी से पानी जड़ में प्रवेश करता है, इसका रीजन क्या है, क्यों करता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जड़ दबाव या कैसी कहता है, कैपिलिटी ऑस्मोसिस या वायुमंडलीय दबाव, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। मिट्टी से जड़ों में पानी का फ्लो होना क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अम्लीय घोल में फिनोलेफ्थालीन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है, तो बेस में क्या बताया था? गुलाबी होता है, बेस में आपका क्या होता है? गुलाबी होता है, बेस में गुलाबी, और एसिड में क्या होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रंगहीन होगा, ठीक है, गुलाबी नहीं होगा। ये बहुत ऐसा डाउट होता है सभी को, बेस में होता है गुलाबी, एसिड में बोला गया, यहां पे पूछा गया एसिड, तो रंगहीन होगा, ऑप्शन बी कलरलेस, कलरलेस। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? O2 से, मतलब अगर एक एलिमेंट को केवल ऑक्सीजन को डिनोट किया जाए एलिमेंट के तौर पर तो O से हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स को कैसे डिनोट करते हैं? O2 से। तो O2 का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक मॉलिक्यूल्स में दो एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में दो एटम, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 2, ऑप्शन सी, इसको हम लोग डायटॉमिक बोल सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर विद्युत कार्य किया जाता है या जिस दर पर विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? वर्क डन यानी कार्य, यहाँ पे कार्य का दर पूछा गया है, तो दर का मतलब क्या होता है? समय से भाग देना, ठीक है, टाइम से डिवाइड करना, तो वर्क बाय टाइम क्या होता है? आपका पावर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पावर, ठीक है, और इसके यूनिट क्या होता है? वाट, जूल पर सेकेंड से क्या बनता है? वाट बनता है, इसका करेक्ट आंसर होगा वाट यानी पावर होगा, अगर वाट दिया होता तो वो भी आंसर होता, ठीक है, यूनिट के तौर पे, यहाँ पे आंसर आपका पावर होगा, शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, और
एक एचपी में कितना वाट होता है आप लोग कमेंट करके बताएं, एक एचपी में कितना वाट होता है। धन्यवाद।